बात अब उप जिलाधिकारी नागेंद्र कुमार की, जिन्होंने दीप खंडेलवाल के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए 30 वर्षों से दुकान पर लगे बोर्ड को पुनः लगवाने के निर्देश कोतवाली पुलिस को दिए। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार यादव ने SSI ओमपाल को निर्देश दिए कि वह उप जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराएं। कानून गो लेखपालों ने पुलिस को साथ लेकर दीप खंडेलवाल का बोर्ड लगवा दिया। जैसे ही पुलिस व तहसील के कर्मी उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन कराने पहुंचे तो दीपू के पड़ोसी दुकानदार ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसको पुलिस कोतवाली ले आई। दीपू के पड़ोसी दुकानदार ने थाने में भी हंगामा किया और अधिकारियों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर पुलिस ने उस व्यक्ति को जमकर डांटा और SDM के आदेशों का पालन कराने की बात कही। बाद में व्यापार मंडल के लोग भी थाने पहुंच गए और सभी ने दीपू के पड़ोसी दुकानदार की गलती बताई। बाद में दीपू के पड़ोसी दुकानदार ने थाने में अपनी गलती मानी और लिखित माफी मांगने के बाद पुलिस ने दीप खंडेलवाल की दुकान पर वर्षों से लगे बोर्ड को दोबारा लगवा दिया। दीपचंद खंडेलवाल ने उप जिलाधिकारी नागेंद्र शर्मा, कोतवाली प्रभारी विजय कुमार यादव व व्यापार मंडल का आभार भी जताया। मेरे साथ न्यायपालिका का सम्मान हुआ है, उसका अनुपालन कानून गो सामने एवं दो लोग थे, एक तो शर्मा जी थे और एक फिरोज भाई थे जो लेखपाल जी हैं, और सभी लोगों ने मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया है। मेरे साथ में कुछ परेशानियां थीं जिसके वजह से SDM सामने मेरे बोर्ड को जो जवरिया हटा दिया गया था उसे पुनर्निर्माण पुनः लगवा दिया गया है। मैं इसका बहुत बहुत सभी लोगों का जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया कोतवाल यादव जी का एवं SSI जी का विशेष धन्यवाद दूंगा।